हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग लाए हैं बोर्ड मार्क्स का पार्ट टू। तो आज इसमें कुछ क्वेश्चंस है ऐसे जो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको समझना जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, बोर्ड पर हमने कुछ सवाल लिख रखे हैं, आइए इसको सोल्व करते हैं। कैसे? बोर्ड मार्क्स की सहायता से आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सवाल हमारे पास है। मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सॉल्यूशन हमने करना शुरू किया है ऐसे, ठीक है। फर्स्ट सवाल हम लोग लिखेंगे जैसे है वैसे। 10 ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 प्लस 10 और माइनस 10। ये थोड़ा अलग है प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले ऑफ यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा क्या जो दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोल्व करने वाले हैं ऑफ का। तो ऑफ का अगर करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे है वैसे ही इसको उतार देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट होगा तो ये डिवीजन का करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले होता है ऑफ, उसके बाद डिवीजन आता है। तो डिवीजन का करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 10 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन का, तो आप कर सकते हो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 10। तो यहाँ पे आपका बनने वाला क्या है, 100 में 110 बनेगा, घटा देंगे 200। तो इस प्रकार का अगर रहता है, ऑफ से लेकर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर जो आता है वो आपका होता है 10 का स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 का क्या है, स्क्वायर है। अगर ऐसे ही सवाल रहेगा तो आप बना सकते हो। मैं एक सवाल दे देता हूँ, आप इसको बना लेना। 9 ऑफ 9 डिवाइड 9 प्लस सॉरी इंटू 9 इंटू 9 प्लस 9 और माइनस 9। अगर इस तरह का सवाल रहता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं सोल्व करके कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सवाल को, लिख लेते हैं पहले सेकंड नंबर सवाल को क्या है। सेकंड है आपका 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20। यहाँ पे 2 कर देते हैं, थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं 2। उसके बाद प्लस कर्ली ब्रैसेस 8 प्लस 4। तो वी बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैसेस करना होता है तो कर्ली ब्रैसेस में चलेंगे। तो इसको ज्यो के तुम वैसे ही लिख देंगे, जैसे 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज टू 2 प्लस 8 4 12 यानी कि 12 हो जाएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन है तो डिवीजन वाला करेंगे, 25 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को कर देंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 12। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपका प्लस इंटू वाला, तो यानी कि 25 प्लस 4 प्लस 12। अब सब ऐड कर दीजिए तो ये 2 4 6 और 5 11, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 2 3 और 3 और 41 आंसर। इसका कितना हो जाएगा आंसर, 41 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन चेंज किया पेन हमने और यहां पे लिख डाला क्वेश्चन को, 100 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6 और प्लस 5, और इस पे बार लगा दिए, और उसके बाद यहां पे आप कर्ली ब्रैसेस करते हो 8 प्लस। क्वेश्चंस गलत उतार दिए, चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 8 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये सवाल को हम बनाते हैं। तो इस सवाल का सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले बार को करना है, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 25 बार को करेंगे तो ये होगा 11, ठीक है। प्लस कर्ली ब्रैसेस को अगले स्टेप में करेंगे तो 8 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैसेस को कर लेते हैं, 100 25 प्लस 11 प्लस कर्ली ब्रैसेस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डिवीजन का करेंगे तो इसका डिवीजन का करेंगे तो 4 टाइम्स में हो जाएगा, प्लस 11 प्लस 12, तो 12 और 11 कितना हो गया, 23 4 27 शायद आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है।
ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। आपका है कि आपका जो बुक है सेवन क्लास में ज्यादातर ये सब मिलता है, तो आप सेवन क्लास का बुक उठा करके देख सकते हैं, उसमें जितने भी बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है उसको आप एक बार सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए कंपटीशन वाले में बोर्ड मास पढ़ाया जाता है, कंपटीशन भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी बोर्ड मास बताया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो अब बेसिक से आपको ये सब नॉलेज होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट सवाल को आज कंप्लीट करते हैं। इसका फोर्थ नंबर सवाल क्या है, देखिए यहां से बिग ब्रैकेट 25 ऑफ 2 प्लस 16 माइनस 8 और ये स्मॉल ब्रैकेट देन आफ्टर 6 माइनस 3, क्या करेंगे सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ऑफ का होना चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर पहले आ जाइए 20 ये 5 पहले ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेते हैं 2 प्लस इसको कंप्लीट करें तो 8 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3, ठीक है ये बिग ब्रैकेट के अंदर अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे हटाओ इसको, यहाँ पे 20 ऑफ वाला पहले करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय यहाँ से आप देख सकते हैं ऑफ यानी कि 10 हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6 माइनस 3, फिर डिवीजन का करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 सॉरी यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 10 को करेंगे तो 2 टाइम्स प्लस 8 प्लस 6 माइनस 3, देन आफ्टर प्लस वाले सभी को एक साथ यानी कि यहाँ से 8 2 10 6 16 और माइनस 3 यानी कि टोटल अब जब आएगा तो आपका इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और यहाँ पे घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब एक जब ब्रैकेट के अंदर आता है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, 13 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चार सवाल सॉल्व कर लिए। अब आप क्या करेंगे बुक वाला सवाल उठा करके बनाएंगे, आपको अब क्लियर समझ में आएगा, बनेगा भी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।